हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे थे साइंस में बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था कोशिका केंद्रक, ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है, और किसी केंद्रक को केंद्रक कब कहते हैं जब उसमें चार चीज़ें पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी चार चीज़ें थी? तो वो थी ये डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली, और उसके बाद से केंद्रक द्रव्य, क्रोमैटिन धागे और केंद्रिका। जब ये चार चीज़ें रहेंगी तभी हम किसी केंद्रक को केंद्रक कहेंगे। ये चीज़ें हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था। और भी कुछ हमने चीज़ें देखा था इसके बारे में, इन सभी के बारे में हमने देखा था कि दोहरी झिल्ली क्या क्या काम करती है, केंद्रक द्रव्य क्या क्या काम करता है और केंद्रिका क्या काम करती। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमैटिक धागे क्या काम करता है, उससे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रोमैटिन धागे से, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्रोमैटिन धागे किससे बना होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप इन सभी का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, स्पेलिंग आप लोग सही डालिया करिए, एकेडमी की स्पेलिंग है ACADEMY, एकेडमी और ऑफिशियल, कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल करके आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च में आ जाएगा, और आप वहां से जाके चैनल को मतलब ज्वाइन कर लीजिए और सभी PDF आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्रोमैटिन धागे पढ़ते हैं। क्रोमैटिन धागे क्या हैं? तो यह DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, यानी जो क्रोमैटिन धागा है यह DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। और DNA क्या होता है? DNA एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। हिस्टोन प्रोटीन DNA का क्या करता है? संरक्षण करता है, यानी जो हिस्टोन प्रोटीन है ये DNA को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह DNA अनुवांशिक पदार्थ, मतलब हिस्टोन प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था ना कि इस नोट्स की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, एक एक लाइन से। तो पहले तो क्वेश्चन बन जाएगा कि क्रोमैटिन धागे बने होते हैं किसके? तो DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन के। अब पूछ लेगा DNA है क्या? तो क्या है DNA? एक अनुवांशिक पदार्थ है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? क्या यह अनुवांशिक पदार्थ है? तो कहेगा, आप कहिएगा नहीं, हिस्टोन प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। तो हिस्टोन प्रोटीन के कार्य क्या हैं? तो हिस्टोन प्रोटीन DNA का संरक्षण करता है। देखिए इतने लाइन से ही कितने क्वेश्चन बन गए, और ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, KBS हो, ये सारे एग्ज़ामों में आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए मैंने एक एक लाइन से, मैंने बोला ना, मेरे जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो मैं GS पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप लोग इन सब इस नोट्स को आप लोग हल्के में ना लें, ठीक है। DNA क्या है? तो DNA एक न्यूक्लिक एसिड है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि DNA क्या है, तो DNA एक न्यूक्लिक एसिड है और यह एक अनुवांशिक पदार्थ है, ये आपको पता ही चल गया। और DNA में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो DNA में फास्फेट पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम है क्या है? H3PO4। फिर पेंटोज सर्करा पाया जाता है, यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? C5H10O5। इसका भी पूछा गया है, फास्फेट का रासायनिक नाम और इसका भी रासायनिक नाम आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद से क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार, यानी DNA में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, फास्फेट, पेंटोज सर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार में दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो प्यूरिन और पिरामिडिन। और इस ये दोनों भी दो दो प्रकार के होते हैं। जैसे प्यूरिन में क्या होता है? एडिनिन और ग्वानिन। ये आपके PCS एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्यूरिन दो प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन से होते हैं? एडिनिन और ग्वानिन। और पिरामिडिन में क्या क्या होता है? थायमिन और साइटोसिन। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। यानी पिरामिडिन क्या है? थायमिन और साइटोसिन। और प्यूरिन क्या है? एडिनिन और ग्वानिन है, ठीक है। DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या है? DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन सेल डिवीजन के समय गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्ज़ाम में कि DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन सेल डिवीजन के समय क्या बनाते हैं? तो गुणसूत्र बनाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। यह सेल डिवीजन के मेटाफेज की अवस्था है। तो ये कौन सी अवस्था है? तो यह सेल डिवीजन के मेटाफेज, यानी उपापचयी की अवस्था है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि DNA के क्रियात्मक खंड को, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? तो DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जीन पर ही अनुवांशिक सूचनाएं कोड के रूप में अंकित होती हैं।
तो मैंने क्या कहा कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही जीन कहा जाता है, क्योंकि जीन पर ही अनुवांशिक सूचनाएं कोड के रूप में अंकित होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पे पूछा गया कि निम्न में से किसमें अनुवांशिक सूचनाएं कोड के रूप में अंकित होती हैं, वो जीन है या डीएनए है या जीनोम है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, जीन पर ही अनुवांशिक क्रियाएं मतलब अनुवांशिक सूचनाएं कोड के रूप में अंकित होती हैं, इसको भी आप लोग ध्यान दिया दीजिएगा, ठीक है। और जीन शब्द का प्रयोग या जीन शब्द किसने दिया था, तो जोहानसन ने दिया था, ठीक है। इनको जोहानसन या जोहनसन भी कहा जाता है। और मनुष्य में जीन की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो मनुष्य में जीन की संख्या 25,000 से 30,000 के बीच में होती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में जीन की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में जीन की संख्या 25,000 से 30,000 के बीच में होती है। आप लोग इसे भी याद रखा जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि जीन के समूह को क्या कहा जाता है, तो जीन के समूह को जीनोम कहा जाता है, ठीक है। यानी जीन के समूह को क्या कहा जाता है, तो जीन के समूह को जीनोम कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीन के समूह को जीनोम कहा जाता है, और जीन एक अनुवांशिक इकाई है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जीन एक क्या है, अनुवांशिक इकाई है। अब हम लोग इतना अनुवांशिक इकाई अनुवांशिक पदार्थ पढ़ लिया, तो अनुवांशिक पदार्थ के लक्षण भी हम लोग देख ही लेते हैं कि आखिर में अनुवांशिक पदार्थ के लक्षण क्या हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ के चार लक्षण हैं। पहला रेप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं द्विगुणन, ठीक है। पहला क्या है, रेप्लिकेशन, जिसे द्विगुणन बोलते हैं। दूसरा है स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का संग्रह करना। यानी अनुवांशिक लक्षण क्या है, स्टोरेज ऑफ, दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, तो स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सूचनाओं का संग्रहण करना काम है इसका अनुवांशिक के लक्षण के। तीसरा है क्या, एक्सप्रेशन, यानी कि प्रदर्शन करना। तीसरा लक्षण क्या है, तो एक्सप्रेशन यानी कि प्रदर्शन करना। और चौथा है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन, ठीक। और इसमें क्या होता है कि एकाएक परिवर्तन होता है। म्यूटेशन में क्या होता है, एकाएक परिवर्तन होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो अनुवांशिक पदार्थ के चार लक्षण हैं। पहला है रेप्लिकेशन, जिसको द्विगुणन बोलते हैं। दूसरा है स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी सूचनाओं का संग्रह बोलते हैं। तीसरा है एक्सप्रेशन, यानी कि जिसको प्रदर्शन बोलते हैं। और चौथा है म्यूटेशन, जिसको उत्परिवर्तन बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एकाएक परिवर्तन होता है, ठीक है। और एच जी पी ने बताया कि हमारे शरीर में अनुवांशिक पदार्थ की जितनी मात्रा डीएनए है, किसने बताया, तो एचजीपी ने बताया कि हमारे शरीर में अनुवांशिक पदार्थ की जितनी मात्रा डीएनए है, उसके संपूर्ण मात्रा का 90% भाग क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब क्या है, निष्क्रिय है, यानी ये अभी एक्टिव नहीं है। और इसी भाग को जंग डीएनए कहते हैं। अभी नया नया लेटेस्ट आया है जंग डीएनए। तो जंग डीएनए किसे कहते हैं, तो जंग डीएनए उसे कहते हैं जो हमारे शरीर का इनएक्टिव भाग है। यानी वो डीएनए होता है, जंक डीएनए वो डीएनए होता है जो हमारे शरीर में अभी इनएक्टिव है। और कितने प्रतिशत भाग इनएक्टिव है, तो वह 90% भाग। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जंक डीएनए बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो क्लास में हमने देखा था mRNA, tRNA और राइबोसोम RNA, इसके बारे में पढ़ा था। तो इसका यहीं पे यूज होता है, प्रोटीन संश्लेषण में ही tRNA, mRNA और राइबोसोम RNA का यूज होता है, ठीक है। ये जो फिगर है, इसमें ये जो ऐसे ऐसे धागे टाइप के बने हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड है ये ग्रीन कलर का, और ये केंद्रक है, और ये है राइबोसोम। इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, ठीक है, 70S टाइप का, ठीक है। और ये पूरा मतलब एक फिगर है, जीन का फिगर है, ठीक है। तो अगर डीएनए द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर डीएनए द्वारा प्रोटीन बनाने की सूचना एमआरएनए को, किसको, एमआरएनए, किसको, इसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए, यानी एमआरएनए को दे दिया जाए, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनुलेखन बोलते हैं। किसे बोलते हैं, जब डीएनए द्वारा प्रोटीन बनाने की सूचना एमआरएनए को दे दिया जाए, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अनुलेखन क्या है, तो अनुलेखन वो है जब डीएनए द्वारा प्रोटीन बनाने की सूचना दी जाती है एमआरएनए को, तो वही उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन बोलते हैं। और यह किसके अंदर होता है, तो यह केंद्रक के अंदर होता है। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कि ट्रांसक्रिप्शन निम्न में से किसके अंदर होता है, केंद्रक के अंदर, उसके बाद से और भी ऑप्शन दे देगा, कोशिका द्रव्य के अंदर, और उसके बाद से दे देगा कि आपका केंद्रिका झिल्ली के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि अनुलेखन जो होता है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो केंद्रक के अंदर होता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा,
एक एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बना है और बनेगा और हमेशा बनता रहेगा, ठीक है। डीएनए बनाने की सूचना एमआरएनए की सहायता से प्राप्त करके, यानी डीएनए प्रोटीन बनाने की सूचना एमआरएनए की सहायता से प्राप्त करके राइबोसोम टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए की सहायता से अमीनो अम्ल प्रोटीन को इकट्ठा करके प्रोटीन का निर्माण करता है। कहने का मतलब यह है कि डीएनए ने प्रोटीन बनाने की सूचना मैसेंजर आरएनए को दे दी। अब मैसेंजर आरएनए से सूचना प्राप्त करके जो राइबोसोम है वो टीआरएनए की मदद से अमीनो अम्लों को इकट्ठा करेगा और प्रोटीन बनाने का निर्माण करेगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन का सरलतम रूप क्या है, अमीनो अम्ल ही है। तो अमीनो अम्ल को इकट्ठा करेगा और प्रोटीन बनाने का निर्माण करेगा। और यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, केंद्रक में। और ये क्या होता है, ये जो होता है, जो डीएनए को मैसेंजर आरएनए की सहायता से राइबोसोम टीआरएनए की सहायता से अमीनो अम्ल इकट्ठा करके प्रोटीन का निर्माण करता है, यह क्रिया केंद्रक द्रव्य में संपन्न होती है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी से आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसलेशन कहाँ संपन्न होता है, तो कोशिका द्रव्य में, ठीक है। कोशिका द्रव्य में यानी कि प्रोटोप्लाज्म में आपका ये संपन्न होता है ट्रांसलेशन, ठीक। यानी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म द्वारा टीआरएनए की सहायता से राइबोसोम क्या बोलता है, राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। और राइबोसोम को ही मैंने क्या पढ़ाया था, राइबोसोम ही प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहलाती है। यानी कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म ट्रांसफर आरएनए की सहायता से राइबोसोम द्वारा प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट मैंने अलग से लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि ट्रांसलेशन की क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया केंद्रक के अंदर संपन्न होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसलेशन की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है, तो आप बताएंगे कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया केंद्रक के अंदर संपन्न होता है। और यही हमारा हो गया आज का फाइनल। यानी आज हमने एक टॉपिक ख़त्म कर लिया, केंद्रक, ठीक है, कोशिका केंद्रक मैंने आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग जीव विज्ञान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल वाला वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो मतलब सारे बायोलॉजी के जितने भी क्लासेस चलेंगे सब आपके इम्पॉर्टेंट है, और एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। ये नोट्स मतलब समझ लीजिए कि एकदम रामबाण नोट्स है आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।